वर्तमान हिमाचल सरकार पर आज पहला आरोप ये है कि वो लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। अभी लेटेस्ट 17 मई को संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने जिस तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष तथा पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की जो नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस था, एनपीए था, उसको बंद करने का निर्णय लिया, जिससे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स तो प्रभावित होंगे ही, हिमाचल की जनता भी प्रभावित होगी। एनपीए बंद होने से उनकी तनख्वाहों में इतनी कमी आएगी कि शायद वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करना पसंद ना करें, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में पहले ही खाली पोस्टें चली हैं और उनमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी और उससे भी जनता प्रभावित होगी। दूसरा, अगर वो एनपीए बंद होने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, नौकरी के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो भी जनता जो है उससे प्रभावित होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा इन विभागों में डॉक्टरों के एनपीए को बंद करने के निर्णय की कड़ी निंदा करती है, कड़ी आलोचना करती है और प्रदेश हित में इसे वापस करने की मांग करती है। यही नहीं, चाहे इन्होंने संस्थान बंद किए, विधायक निधि बंद की, इन्होंने बिजली महंगी की, इन्होंने महंगाई को बढ़ाने का काम किया, उसके साथ साथ विकास को रोकने जैसा जन विरोधी कृत्य भी किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो बजट का प्रावधान हुआ था उसको भी विकास पर खर्च नहीं किया। मेरी सूचना के मुताबिक 305 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग, और लगभग 250 करोड़ रुपए जल शक्ति विभाग में 31 मार्च तक सरेंडर किए गए, जबकि पिछली सरकार द्वारा जारी किया गया बजट था, अनेक कार्य जो है वो उनके टेंडर हो गए थे, टेंडर अवार्ड हो गए थे, कई काम ठेकेदारों ने कर दिए थे, कई कर रहे थे। ये पैसा देकर जो ठेकेदारों का काम हुआ था उसकी पेमेंट होनी थी या जो काम पूरे होने पर उनको पेमेंट होनी थी, परंतु ये पैसा सरेंडर होने से ठेकेदार प्रभावित हुए हैं। उनको जो उन्होंने 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले काम पूरे किए उनकी पेमेंट नहीं हो रही। दूसरा, जो आधे अधूरे काम थे वो वही विभाग ने रोक दिए कि पैसा नहीं है। यहां तक कि जो टेंडर हो गए थे, टेंडर अवार्ड हो गए थे, अभी ठेकेदार ने शुरू करना था, उनके तो टेंडर ही कैंसिल कर दिए। इसलिए विकास प्रभावित इस काम से होगा, इसको भी भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी निर्णय मानती। और हैरानी की बात है, जब इन विभागों के मंत्रियों से पूछो तो वो चुप्पी धारण करते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार में गुटबाजी किस कदर। यही नहीं, इसके साथ साथ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बच्चों को मुफ्त वर्दी के साथ साथ मुफ्त बैग भी दिए थे, पीने के पानी के लिए बॉटल्स भी दी थी।
इन्होंने ना बैग दिए ना बोटल्स दी। यही नहीं, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अभी लिफ्ट में जो 15 रुपए किराया लगता था उसको बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया, 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया। उससे हिमाचल की जनता के साथ साथ हिमाचल में आने वाला पर्यटक भी प्रभावित होगा। ये निर्णय तो जन विरोधी के साथ साथ प्रदेश विरोधी भी है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश में कामगार कल्याण बोर्ड था, जिसके माध्यम से भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, नरेगा के मजदूरों को अनेक तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते थे। बेटी के पैदा होने पर, बेटी की शादी में, बच्चों की पढ़ाई के समय, बीमारी के समय, मृत्यु के समय, वो अनेक तरह के लाभ कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दिए जाते थे, जो इस सरकार ने बंद कर दिए। तो एक तरह से इस तरह कुल मिलाकर जनविरोधी निर्णय लेने का काम जो सुक्खू सरकार ने पहले दिन से शुरू किया था, वो लगातार जारी है। इसकी भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की इसके लिए कड़ी आलोचना करती है। दूसरा आरोप भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान सरकार पर है कि उनके मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जांच 1 महीने में पूरी होगी, वक्तव्य दिए 2 महीने हो गए, कोई पता नहीं। उन्होंने कहा लिखित परीक्षाएं जो नौकरियों के लिए ली गई, उनके परिणाम, उनके रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर निकल जाएंगे। ये बयान दिए भी 1 महीना हो गया। यही नहीं, शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना करते हुए, कर्मचारियों को प्रभावित करते हुए, उस समय निर्णय तो ले दिए कि 2 साल जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया उन कर्मचारियों को रेगुलर कर देंगे, पार्ट टाइम को डेली वेज कर देंगे, डेली वेज को रेगुलर कर देंगे। फाइलें तो रूटीन की थी, साइन हुई, क्योंकि ये निर्णय तो पिछली सरकार के थे, परंतु हर साल सरकार रूटीन में वो फाइल करती है और 2 साल जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा उनको रेगुलर करती है, डेली वेज को रेगुलर करती है और पार्ट टाइम को डेली वेज करती है। परंतु अभी उन निर्णयों को लिए हुए भी महीने से ज्यादा समय हो गया, कोई ऐसा कर्मचारी, चाहे वो डेली वेज चाहे कॉन्ट्रैक्ट का, रेगुलर नहीं हुआ, पार्ट टाइम डेली वेज नहीं हुआ। तो लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करना, और यहां तक कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके वोटों को प्रभावित करने का भी काम कर लिया, परंतु उस काम को सिरे नहीं चढ़ाया। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है कि झूठ बोलकर ये जनता को गुमराह करते रहे और आगे भी करते जा रहे। तीसरा आरोप आज इस सरकार पर है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और 6 महीने के अंदर अंदर ही मुख्यमंत्री का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनता नजर आ रहा है। इस संबंध में पिछले दिनों एक पत्र जारी हुआ और मुख्यमंत्री, मंत्रीगण उस पत्र को गुमनाम पत्र की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि अगर हम वो पत्र पूरा पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से गुमनाम नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा है मैं सरकारी कर्मचारी हूं, उस व्यक्ति ने कहा मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था और जब मैंने इस तरह के भ्रष्टाचार का विरोध किया
तो मुझे वहां से बदल दिया गया। अब इतनी आइडेंटिटी व्यक्ति अपनी दे रहा है, कितने कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय में होते हैं और उनमें से कितनों के तबादले हुए, और उसने यह भी कहा है कि अगर गंभीरता से इसकी जांच होगी तो मैं सामने आकर सबूत भी दूंगा। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए इससे पल्ला झाड़ना निराशाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सुक्खू सरकार शुरुआती दिनों में ही भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी। और मैं कहना चाहता हूं, जो उस पत्र में विषय प्रमुख रूप से आया है, आप भी जानते हैं किन्नौर जिला की सतलुज नदी पर जो शांग टांग करछम विद्युत परियोजना जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के देखरेख में मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी बना रही है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी को जो पत्र में आरोप है कि आपने उनको डेविएशन करके पोस्ट कॉस्ट एस्केलेशन करके उनको फायदा दिया है, मैं इस बात पर नहीं जाता कि कितने का लेन देन हुआ, परंतु ये तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 18 मई 2023 को संपन्न हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस पटेल मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को क्या लाभ दिया गया? क्या यह सत्य नहीं है कि उस मीटिंग में इस कंपनी को एक्सटेंशन दी गई है, उनके जो काम पूरा करने का समय अवधि थी वो पूरी हुई थी, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया। अदरवाइज समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी लगाने की बजाय एक्सटेंशन दी जा रही है, और जब टाइम में एक्सटेंशन दी जा रही है तो कॉस्ट में भी जो है वो डेविएशन हो रही है। तो ये जब बोर्ड की मीटिंग में हुआ है तो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी, ये जवाब प्रदेश की जनता मांगती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तंज कसने की बजाय इस पर स्पष्टीकरण दें, स्पष्ट करें क्या यह सत्य नहीं है कि 18 मई को जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डेविएशन ऑफ रेट्स का फायदा दिया गया, और बताएं क्यों दिया गया। और यही नहीं, इसके अलावा भी ट्रांसफर में तबादलों में भ्रष्टाचार उसके आरोप तो शुरू से लगते आए हैं, इस पत्र में भी लगे और कई तरह के आरोप लगे हैं, परंतु ये आरोप तो मुझे लगता है बहुत ही गंभीर है। और क्योंकि ऊर्जा विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इसलिए उनकी ही जवाबदेही बनती कि वो स्पष्ट करें और कुछ अधिकारियों को परियोजना का दौरा करा के इस मुद्दे पर लीपापोती मत करें। आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम का फायदा, डेविएशन ऑफ रेट्स का फायदा पहले दे देते हो और आपकी अधिकारियों की टीम बाद में जा रही है वो सिर्फ लीपापोती करने के लिए। इसलिए बहुत गंभीर आरोप है,
सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे, जांच कराए और सचमुच अगर अनियमितता भी हुई है, गलत फायदा भी दिया है, तो जिन्होंने दिया है कार्रवाई करे, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर तो किसी को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि ये जो आरोप भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे हैं उनकी किसी एजेंसी से जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद। वो तो बाद का इशू है, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का रुख क्या है। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया सीबीआई की जांच करा ले बीजेपी, तो क्या मुख्यमंत्री जी रिकमेंड करेंगे, प्रदेश सरकार रिकमेंड करे कि इस मुद्दे की जांच सीबीआई से हो, केंद्र सरकार सीबीआई की जांच कराएगी। सर, पूर्व की बीजेपी सरकार में भी इस तरह के मंत्रों को लेकर शिकायत होती रही है, तो सीएम का कहना है कि उस समय क्यों नहीं जांच की गई, जब उस समय भी पत्र जारी होते रहे। देखिए, उस समय ऐसा गुमनाम पत्र नहीं था जिसमें व्यक्ति 90% आइडेंटिटी बता रहा है। मुख्यमंत्री कह रहा है, पत्र जो लिखने वाला कह रहा है, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था, भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद मुझे अधिकारियों ने बदल दिया, शोषित किया। अब कितने अधिकारी बदले होंगे, कर्मचारी बदले होंगे, दो नहीं चार, तो इससे ज्यादा आइडेंटिटी क्या होनी है। और दूसरी बात, पत्र के अलावा मैंने जो कहा है कि 18 मई को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो लाभ इस कंपनी को दिया है वो क्यों दिया, क्या उद्देश्य था, पेनल्टी लगाने की बजाय आप एक्सटेंशन दे दे, ये नई रिवायत शुरू करने की क्या आवश्यकता पड़ी। देखिये, उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, वो भी मुद्दों को उठाती थी, और उसमें जो गुमनाम पत्र थे व्यक्ति की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, इसमें तो व्यक्ति की, मैं कह रहा हूँ, कम से कम 80-90% आइडेंटिटी क्लियर है। नहीं, वो तो शिकायत ही झूठी साबित हुई तो कार्रवाई तो होगी। जब शिकायत ही झूठी साबित होगी तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई तो होगी। अगर मुख्यमंत्री इनकार कर देते हैं कि मैं कोई जांच नहीं करूंगा, तीन अधिकारियों के इसमें नाम भी हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि अधिकारी तो भाजपा के समय भी थे, तो अब क्या भाजपा के पूर्व के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, आप ये भी कह रहे हैं? मैंने तो अधिकारियों की जांच की बात ही नहीं की है, मैं तो कह रहा हूं ये इरेगुलरिटी हुई है, ये क्यों हुई बताएं। अगर किसी को गलत लाभ देने के लिए तो जिस भी अधिकारी ने किया उस पर कार्रवाई हो, और अगर पिछली सरकार में भी कुछ गलती हुआ तो ये सरकार तो कह ही रही है, हर मुद्दे पर ये सरकार कह रही है जांच करेंगे जांच करेंगे, तो अगर पिछले कार्यकाल के समय भी कोई अधिकारियों ने गलती की है तो कार्रवाई करें। सर, अगर मुख्यमंत्री इनकार कर देते हैं जांच करवाने से, जैसा आप डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करना